हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज का जो हमारा सेशन है और प्लस इसके बाद के जो चार सेशन होंगे, मतलब टोटल फाइव वीडियोस के अंदर हम क्या करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के इंट्रोडक्शन से। ऑफ कोर्स आप लोग ऑलरेडी जानते हैं एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे। तो एनिमल हस्बेंड्री में हम एनिमल्स को रियर करते हैं। मेजरली कैटल्स को और बफेलोज को पाला जाता है। कैटल्स का मतलब होता है काउ ओनली, बफेलो अलग है, लेकिन दोनों को बोवाइन में इंक्लूड किया जाता है। कैटल और बफेलो के अलावा जो मोस्ट कॉमन एनिमल है जिसे रियर किया जाता है वो है गोट एंड शीप। अगर पॉपुलेशन की बात करेंगे तो जो हमारी बफेलोज है वो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा है। यूपी का नंबर वन रैंक है बफेलो पॉपुलेशन के अंदर। काउ की बात करेंगे तो ओवरऑल कैटल में वेस्ट बंगाल का नंबर वन रैंक आता है, जबकि एमपी के अंदर इंडिजिनस काउ ज्यादा है। उसके साथ अगर गोट की बात की जाएगी तो नंबर ऑफ गोट हाईएस्ट है राजस्थान के अंदर। शीप की बात की जाए तो नंबर ऑफ शीप हाईएस्ट है तेलंगाना के अंदर। डोंकी गधों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा है राजस्थान के अंदर। सो ये हो गया पॉपुलेशन वाइज रैंक। उसके बाद बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री होता क्या। तो जिन एनिमल्स का हम नेम ले रहे हैं वो कैटल है, बफेलो है, गोट, शीप, याक या फिर डोंकी और कोई और भी हो सकता है, जैसे कैमल भी हो सकता है जो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर ही है। सो इन एनिमल्स को हम क्यों पालते हैं। इन एनिमल्स को रियर किया जाता है, पाला जाता है या फिर कहीं डोमेस्टिकेट किया जाता है, क्या लेने के लिए, उनसे ऊन यानी वूल लेने के लिए, एग्स लेने के लिए, मीट लेने के लिए, या फिर मोस्ट कॉमनली मिल्क पर्पस के लिए। बिकॉज गाय और भैंस आपने जब देखी है तो 99% केस में आपने जब देखी होगी तो उसे पाला गया था किस पर्पस के लिए, ऑफकोर्स मिल्क पर्पस के लिए। तो एनिमल की यही जो रियरिंग है, उनका जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, जो उनके साइंटिफिक हाउसिंग है, ब्रीडिंग है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, दिस इज ऑल अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। तो बस पशुओं को पालने की वही आर्ट एंड साइंस, जो कला आपके पास है, जो साइंस आपके पास है, उसको कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। तो बोला गया एनिमल हस्बेंड्री इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर वेयर एनिमल्स आर रियर्ड, ब्रीड एंड रेज्ड फॉर, उन्हें पाला जाता है, ब्रीडिंग करवाई जाती है, बड़े होते हैं वो किसके लिए, मीट पर्पस के लिए हो सकते हैं, है ना। गोट और शीप की बात की जाएगी, गोट और शीप की बात की जाएगी तो मीट के लिए पाला जाता है। साथ साथ कुछ गोट ऐसे भी हैं जिनको दूध और मीट दोनों के लिए पाला जाता है, तो मीट के लिए हो गया। फाइबर की बात करेंगे, शीप को मोस्ट कॉमनली फाइबर के लिए ही पाला जाता है, उनके ऊपर ऊन आती है जिसकी साल में एक से दो बार क्लिपिंग की जाती है, मतलब काटा जाता है। उसके बाद पोल्ट्री में अगर आएंगे, मुर्गियों को देखेंगे तो उनको पाला जा रहा है किसके लिए, एग्स के लिए। अगर पोल्ट्री की बात करते हैं, हमारी जो मुर्गियां होती हैं वो काफी कम एग्स प्रोडक्शन करती हैं, 80 to 120, 80 से 120 अंडे एक साल के देती हैं, जो कि अच्छी नस्ल की, जो विदेशी नस्ल की, जो एग्जोटिक हैन है, वो एक साल में 220 तक एग्स आपको दे सकती है, तो उन्हें एग के लिए पाला जाता है। फिर मिल्क तो हम सब लोग जानते हैं, विटामिन ए का और कैल्शियम का मेजर सोर्स है, हमारी बॉडी के लिए कंप्लीट फूड उसे माना जाता है, इसलिए आप और मैं हर दिन इसे कंज्यूम करते हैं। और पशुओं को पाला जाता है किसके लिए, मिल्क पर्पस के लिए, और उसके साथ साथ कुछ और फूड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन मेजरली इसी के लिए पाला जा रहा है, मिल्क, एग, मीट और फाइबर के लिए। तो इसको, इसके लिए आप पालते हैं, तो उन पशुओं को जिनको पाला जाता है उनकी साइंस और मैनेजमेंट किसका पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री आप लोग समझ गए हैं क्या होता है। आगे बात करते हैं एनिमल के आइडेंटिफिकेशन की, कि फार्म एनिमल को आइडेंटिफाई करना है। आपके घर में अगर 2, 3 या 4 पशु होंगे तो बहुत आसान है आइडेंटिफाई करना, लेकिन अगर आपके पास 100, 200, 300, 400 पशु हैं तो क्या लगता है आइडेंटिफाई करना आसान है? बिल्कुल नहीं। इंसानों को भी नहीं किया जा सकता, स्कूल कॉलेजेस के अंदर उनको भी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिए जाते हैं। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। Why? Because आपका एक यूनिक नंबर मिल जाता है, हर इंडियन पॉपुलेशन को एक आधार कार्ड पे नंबर मिला हुआ, आधार नंबर मिला हुआ, यूनिक नंबर है अपने आप में वो। तो उसी तरह से जब बात करते हैं हमारे फार्म एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने की, तो उनको भी आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग मेथड अपनाए जाते हैं। सबसे पहले तो बात ही आती है कि सर एनिमल को आइडेंटिफाई क्यों करना है। एनिमल का आइडेंटिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए बात करते हैं, पहले आइडेंटिफिकेशन होता क्या उसकी बात कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल इज मस्ट, जरूरी है, क्यों, एज ए रिक्वायरमेंट इन द डेली मैनेजमेंट
to spot and identify a particular animal in a herd, group or flock. Herd, group or flock का मतलब है झुंड उन पशुओं का, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं, लेकिन उसको झुंड में से आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना है, हमें उसको एक आइडेंटिफिकेशन देना है। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे दे सकते हो, टैटूइंग कर सकते हो। टैटू देखा आजकल हमारे केस में बहुत फैशन सा बन गया है, उल्टी उल्टी सीधी जगह पे बना ले, उल्टी सीधी मतलब ऐसे मजाक कर रहा हूं, बट आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पर टैटू बनवा लेते हैं, तो वो टैटू जो है वो उनकी पहचान तो नहीं है, लेकिन एनिमल वाले की इसमें टैटूइंग जो ईयर पे किया जाएगा पहचान हो सकती है। उसके अलावा ईयर टैगिंग भी पहचान है, ब्रांडिंग किया जाता है हॉट रोड से, गर्म रोड से कर दिया जाता है, और नोचिंग भी किया जाता है, लेकिन ये ज्यादा पशुओं के अंदर कॉमन नहीं है। नोचिंग जो है जनरली पिग्स के अंदर किया जाता है। वन बाय वन मेथड्स को देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स को अपनाया जा रहा है और कैसे। सबसे पहले आएगा टैटूइंग, कौन सा, ईयर टैटूइंग। तो कान के ऊपर टैटू कर देते हैं, तो कैसा टैटू करते हैं भाई, देखो ये अपने आप में उस तरह का टैटू नहीं है जैसे आप समझ रहे होंगे कि ऐसे डोले छोले पे शेर बना दिया, बोला ये देख लो, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। बट दिस इज काइंड ऑफ परमानेंट मेथड, इट इज वन ऑफ द परमानेंट मेथड ऑफ द आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ज्यादा अंदर तक घुसना नहीं है, पेपर में जिस तरह से आएगा वो आपको ध्यान रखना है। तो ईयर के ऊपर टैटू बना दिया जाता है जो अपने आप में परमानेंट सिस्टम है, अच्छा मेथड है। उसके बाद ईयर टैगिंग की बात करते हैं, ये आपने देखा होगा आजकल हमारी बहुत कर रही है, हमारा पशुओं के भी कानों के अंदर टैग डाल दिए गए हैं। सो मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ द आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ये मोस्ट पॉपुलर है, इजीएस्ट मेथड है, कानों के अंदर टैग डाल दिया जाता है। उसके बाद ब्रांडिंग थोड़ा सा पेनफुल है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, हॉट आयरन रोड, लोहे की गर्म छड़ को यूज किया जाता है। सो इट इज वन ऑफ द परमानेंट मेथड, बिकॉज आपने जहां पे एक बार रोड लगा दी वहां पे हमेशा के लिए निशान आ जाएगा। और वो डिपेंड करता है आपकी जो रोड है आगे से, उसके ऊपर कोई नंबरिंग लगी हुई है, आप ऐसे लगाएंगे वो नंबर उसके ऊपर छप जाएगा। अगली रोड पे जैसे 14 नंबर था, 15 नंबर आ गया, फिर से रोड लगा दी, आप भी समझ सकते हैं 400 से 500 डिग्री हीट की गई रोड को, आप जहां पे लगाएंगे वो निशान जिंदगी भर के लिए वहां पे रह जाएगा। तो वो क्या हो गया, परमानेंट सिस्टम हो गया। उसके बाद बोला गया ईयर नोचिंग, ईयर नोचिंग की बात करेंगे तो इसे कॉमनली यूज किया जाता है पिग के अंदर, पिग एंड इन बीफ कैटल। ईयर नोचिंग कैसे करते हैं, उनको नोच कर दिया जाता है, वी शेप का कट उस पे लगा देते हैं। तो सर वी शेप का कट तो हर किसी कान पे लग जाएगा, फिर कैसे पहचाना जाएगा, उसे पहचाना ऐसे जाता है कट कहां पे लगाया गया, ऊपर की साइड, नीचे की साइड, लेफ्ट पे, राइट पे, तो उस हिसाब से आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। लेकिन आप चारों नाम ध्यान रखिए, और कौन सा परमानेंट मेथड है और कौन सा मोस्ट पॉपुलर है वो ध्यान रखिए। सो ईयर टैटूइंग, ईयर टैगिंग, ब्रांडिंग और आपका ईयर नोचिंग, ये चार मेथड हो गए एनिमल को आइडेंटिफाई करने के। आइडेंटिफाई कर लिया होगा तो एनिमल का कैस्ट्रेशन करते हैं। क्यों करते हो कैस्ट्रेशन सर, कैस्ट्रेशन करेंगे ताकि क्या किया जा सके, एनिमल को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सके। कैस्ट्रेशन जो किया जाता है वो मेल एनिमल का किया जाता है। मेल एनिमल की बात करेंगे तो मेल एनिमल के पास क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है, और वो जो स्पर्म जिसे शुक्राणु हम कह देते हैं, वो जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है ना, उसमें क्या होता है, उसकी बहुत सारी एनर्जी जाती है। आप भी बहुत सारे बच्चे क्लास ले रहे हैं, अगर आप मेल हैं तो नेचर ने बाय डिफॉल्ट हर मेल को एक वी कैन से के क्या बोलूं यार, वरदान बोल दूं, फैसिलिटी बोल दूं, कुछ भी समझ लो, है ना। हमारे साथ भी तो होता है ना कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारे पेरेंट्स से हम बन के आए हैं, तो हमारे पेरेंट्स में जो मेल पेरेंट था उसने भी इसी एबिलिटी को यूज किया होगा, है ना। तो जो मेल एनिमल है वो क्या करता है, वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे उसे ब्रीडिंग के अंदर यूज ही नहीं करना, अब ब्रीडिंग में यूज ही नहीं करना तो मतलब मुझे स्पर्म चाहिए नहीं उस मेल एनिमल के, है ना। अगर ब्रीडिंग के अंदर यूज नहीं करना तो क्या करूंगा, मैं उसे खेत में यूज करूंगा, सड़कों पे यूज करूंगा, मीट पर्पस के लिए यूज करूंगा। लेकिन दिक्कत यह है कि मैं उससे ब्रीडिंग करवा नहीं रहा, लेकिन फिर भी ब्रीडिंग के लिए उसके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन हो रहे हैं जो उसके एनर्जी लेके जा रहा है, तो वो खेत में अच्छे से काम नहीं कर रहा, सड़क पे अच्छे से काम नहीं कर रहा, मीट प्रोडक्शन के लिए जल्दी से उसका वेट गेन नहीं हो रहा। तो इन सब समस्याओं के समाधान के लिए उसकी वो एनर्जी जो स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर वेस्ट हो रही है उसको हम खत्म कर देंगे, मतलब उसके शुक्राणु पैदा करने की जो क्षमता है उसको खत्म कर देंगे, जिसको बोला जाएगा कैस्ट्रेशन। तो कैस्ट्रेशन करने के बाद अब उसकी एनर्जी डाइवर्ट नहीं होगी तो वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। बोला गया मेकिंग द एनिमल अनेबल टू रिप्रोड्यूस, उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है उसको खत्म कर दो, है ना। क्यों खत्म कर दो, बिकॉज शुक्राणु ही नहीं आएंगे तो एनर्जी वेस्ट नहीं होगी उसकी। सो मेकिंग द एनिमल अनेबल टू रिप्रोड्यूस इज जनरली नोन एज कैस्ट्रेशन।
इसे क्या बोला जाता है? कैस्ट्रेशन इसे बोला जाता है। मेल कैटल एंड बफेलोज मेंट फॉर द वर्क शुड बी कैस्ट्रेटेड। जो तो ब्रीडिंग के लिए है उनको नहीं, लेकिन जो वर्क पर्पज में यूज किए जा रहे हैं, जिनसे हम काम ले रहे हैं, बोझा खिंचवा रहे हैं, भार ले जा रहे हैं ना, उनको कैस्ट्रेट कर दिया जाना चाहिए। कैस्ट्रेशन करने के बाद वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। एज की बात करते हैं, कैस्ट्रेशन कब किया जाना चाहिए, तो कैस्ट्रेशन की जो ऑप्टिमम एज है ना, वो यंग और अडल्ट एनिमल के अंदर अलग अलग है। छोटा है, छोटी स्टेज में करना है तो 3 महीने के अंदर कर दो, विद इन 3 मंथ्स। पहले कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, 3 महीने से लेट मत होने दो। सर्जिकल मेथड यूज किया जा सकता है, इलस्ट्रेटर को भी यूज किया जा सकता है। सर्जिकल मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इलस्ट्रेटर थोड़ा पेनफुल है, बाकी आप जो चाहो यूज कर सकते हो। आगे पढ़ाता हूं इनके बारे में। अगर आपका एनिमल बड़ा हो चुका है, अडल्ट है, तो 1 साल के अंदर अंदर उसको क्या कर दो, कैस्ट्रेशन कर दो। यहां पे क्लोज मेथड को यूज किया जाएगा, जो बर्डी जो कैस्ट्रेटर होगा। बर्डी जो कैस्ट्रेटर क्या करता है, वो जो एक वेन है जिसके थ्रू शुक्राणु बन रहे हैं, जो सप्लाई कर रहा है ब्लड की टेस्टिस को, बस उस वेन को सुप्रेस कर दिया जाता, दबा दिया जाता है। कभी कभी आपने ऐसा बुजुर्गों के अंदर या घर में या किसी नॉन के अंदर ये प्रॉब्लम भी देखी होंगी, वो ऐसा बोलता होगा कि यार मेरा ना ये वाला पार्ट जो सुन रहता है, पता ही नहीं चलता, पैर सुन रहता है, ये रहता है, तो कोई ना कोई उसकी जो वेन्स है वो दब गई है, दब गई है तो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा। ऐसा यहां पे कर देंगे, उसकी वेन्स को सुप्रेस कर देंगे, दबा देंगे, ताकि ब्लड सप्लाई जो है वो रुक जाए टेस्टिस को। टेस्टिस को ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो भाई उससे क्या हो जाएगा, काम तमाम हो गया। क्या हो गया? कैस्ट्रेशन हो गया। तो अलग अलग मेथड है, कौन कौन से मेथड है बात करते हैं। पहले पर्पस की बात कर लेते हैं कि भाई कैस्ट्रेशन करना ही क्यों है। तो पहला तो मैंने बताया, कैस्ट्रेशन करना था कि एनिमल ज्यादा पावरफुल बन सके, एनिमल ज्यादा अच्छे से काम कर सके, उसकी एनर्जी डाइवर्ट ना हो। उसके अलावा टू रेंडर द एनिमल डोसाइल, इसका मतलब हो गया एनिमल को थोड़ा काइंड ऑफ वीकेंड से आज्ञाकारी बनाने के लिए। आज्ञाकारी समझते हैं ना, जिसे आप लोग हो यार, है ना, मैं आपको बोलू समझ आ रहा है, आप कहोगे हाँ सर आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो नहीं बोलोगे। इस तरह से एनिमल को आप जब सिखाओगे ना कि भाई ये काम कर ये कर, तो जो कैस्ट्रेटेड एनिमल है ना, वो ज्यादा अच्छे से बातें मान लेते हैं, ऐसा बुक्स कह रही हैं। मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने ऐसा किया नहीं है, राइट। सो रेंडर द एनिमल डोसाइल, उसको पालना आसान करना, आज्ञाकारी बनाना उसके लिए कर दिया जाता है। टू इंड्यूस फास्टर गेन इन द बॉडी वेट एंड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ मीट, है ना, क्या करना, फास्टर ग्रोथ करना, और प्लस फास्टर ग्रोथ बिकॉज कैस्ट्रेशन के बाद एनिमल का जो वेट गेन है वो क्या होगा, पहले से ज्यादा होगा, प्लस मीट क्वालिटी क्या होगी, बेटर होगी। उसके बाद बोला गया टू कंट्रोल इनडिस्क्रिमिनेट ब्रीडिंग, क्योंकि अगर आपने एनिमल को कैस्ट्रेट नहीं किया, वो जिस झुंड के अंदर है, काउ वहां पे हीट में आएगी, ये उसको क्या कर देगा, प्रेग्नेंट कर देगा, हमें तो नहीं करवाना था, है ना। तो इनडिस्क्रिमिनेट ब्रीडिंग से भी रोकने के लिए हमने क्या कर दिया, उसको कैस्ट्रेट कर दिया। एंड लास्ट बोला गया टू प्रिवेंट सर्टन जेनेटिकल डिसीज, तो किसी प्रकार की जो बीमारियां हैं जो सेक्स ऑर्गन से हो सकती है, वो भी क्या हो जाएंगी, कंट्रोल हो जाएंगी। तो इन सब कामों के लिए हम क्या करेंगे, एनिमल को कैस्ट्रेट कर देंगे। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, कैस्ट्रेट कैसे करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। कैस्ट्रेशन करने के 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पे है, पढ़ लेना, ध्यान रख लेना, पेपर में बड़ी जल्दी क्वेश्चन आता है। So, पहला मेथड है बर्डीजो मेथड, जिसमें बर्डीजो कैस्ट्रेटर को यूज किया जाता है। दूसरा सर्जिकल मेथड है, जिसमें सर्जिकल ऑपरेशन कहते हैं, ऑपरेशन मतलब कट लगाया जाता है, टेस्टिस को रिमूव किया जाता है, तो ओपन मेथड हो गया ना ये वाला। और उसके साथ रबर रिंग या फिर इलस्ट्रेटर मेथड इसे कहा जाता है। तो चलिए फर्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड के अंदर बोला गया बर्डीजो मेथड, इट इज आल्सो नोन एज ब्लडलेस कैस्ट्रेशन, क्योंकि इसमें हमने बर्डीजो कैस्ट्रेटर को लेना है और उसकी वेन को सुप्रेस कर देना, काम खत्म, कोई उसमें क्या हुआ, कोई ब्लड आया ही नहीं है, तो इसे ब्लडलेस कैस्ट्रेशन भी कहा जाता है। द बर्डीजो कैस्ट्रेटर इज यूज टू क्रश द, किसको क्रश करना है, दबाना है, सुप्रेस कर देना है, किसको कर देना है, स्पर्मेटिक कोड को, स्पर्मेटिक कोड एंड थस स्टॉपिंग द ब्लड टू द टेस्टिस। सो स्पर्मेटिक कोड को आपने सुप्रेस कर दिया, दबा दिया, क्रश कर दिया, अब ब्लड सप्लाई रुक गई है टेस्टिस को, शुक्राणु जो स्पर्म है वो बनेंगे ही नहीं, और आपका एनिमल कैस्ट्रेट हो चुका है। बर्डीजो कैस्ट्रेटर इंस्ट्रूमेंट यूज किया है और जो मेथड का नाम है वो क्या है, बर्डीजो मेथड। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए, ठीक है। बर्डीजो मेथड अगर समझ गया तो आगे चलते हैं। अगला आ गया ओपन और सर्जिकल मेथड। सर्जरी वर्ड सारे लोग जानते हैं, जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी फैमिली मेंबर की सर्जरी तो हुई होगी, है ना, और ज्यादा कुछ नहीं, स्टोन टोन का पेन हो जाता है, तो स्टोन के पेन में ठीक हो जाए तो ओके, नहीं तो सर्जरी करनी पड़ती है, तो काटना पड़ता है ना, फिर निकालना पड़ता है। वैसा ही कॉन्सेप्ट यहां पे, काटेंगे टेस्टिस को, निकाल देंगे। तो सर्जिकल मेथड के लिए बोला गया स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है यार, जिससे क्या कह सकते हैं, वही जो मेन पोर्शन हो गया, है ना,
एनिमल के अंदर जो लटक रहा होता है जिसके अंदर टेस्टिस है, स्क्रोटम कहा जाता है। मैच्योर लोग आप मेरे हिसाब से मेरी इस बात को अदर वे में नहीं लोगे, बिकॉज समझाने के लिए मुझे बताना पड़ेगा। तो मेल एनिमल को जो नीचे लटक रहा पार्ट, अब पता नहीं उसे हिंदी में क्या बोलूं, लेकिन हाँ उसे स्क्रोटम कहा जाता है। तो बोला गया स्क्रोटम इज ओपन, उसमें कट लगाया जाएगा, ओपन किया जाएगा, एंड टेस्टिकल्स जो उसके अंदर है आर रिमूव, टेस्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाएगा असेप्टिकली, एंड द वुंड जो घाव बन जाएगा उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लगा दिया जाएगा। तो इसमें आपने सर्जरी क्या किया है, इसमें सर्जरी की है, इसलिए सर्जिकल मेथड हो गया। स्क्रोटम को ओपन किया गया, इसलिए सर्जिकल मेथड को क्या बोल दिया गया, ओपन मेथड कहा गया। आगे चलते हैं, अगला आ गया रबर रिंग या फिर इलस्ट्रेटर मेथड। बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा पेनफुल है। सो रबर रिंग और इलस्ट्रेटर मेथड की बात करेंगे। अ स्ट्रॉन्ग एंड टाइट रबर रिंग placed around the cord at an early age of calf, वो जो स्क्रोटम नीचे लटक रहा है ना उसके ऊपर की साइड पे टाइटली रिंग को डाल दिया जाता है उसकी अर्ली स्टेज में जब वो छोटा है। इलस्ट्रेटर रिंग आर वेरी पेनफुल बिकॉज वो बहुत टाइटली ऐसे बांध देंगी, है ना, जैसे आप समझिए आपकी उंगली के ऊपर क्या किया जाए, एक रस्सी को बहुत टाइटली बांधा जाए तो दर्द करेगी ना यार फिंगर। अब वो तो उसका सेंसिटिव पार्ट है ना, स्क्रोटम पे आपने डाल दिया है। तो वहां पे इसने बोला इलस्ट्रेटर रिंग जो है आर वेरी पेनफुल टू एनिमल एंड सो इट इज नॉट यूजली रिकमेंडेड, इसको रिकमेंड नहीं किया जाता, लेकिन यूज करना इसे बहुत आसान है। कॉमनली जो एज है ऑप्टिमम एज जो है कैस्ट्रेशन करने के लिए रबर रिंग मेथड से वो है बिलो 3 months, 3 महीने से पहले क्या कर दो रबर रिंग डाल दो, ऑटोमेटिकली उसका जो इस तरह से टाइट हो जाएगा स्क्रोटम, ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। तो 3 मेथड आपने पढ़ लिए, बर्डिजो मेथड, सर्जिकल मेथड और रबर रिंग या फिर इलस्ट्रेटर मेथड इसे कहा गया। ये 3 मेथड थे कैस्ट्रेशन करने के, कैस्ट्रेशन के पर्पज मैंने आपको बता दिए हैं। अगर कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा। आगे चलता हूं, कैस्ट्रेशन अगर कर दिया तो आगे बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं डिसबडिंग की। सर डिसबडिंग क्या होता है, 2 वर्ड होते हैं, एक होता है डिसबडिंग, एक वर्ड होता है डीहॉर्निंग। बर्ड वर्ड, बर्ड आपने प्लांट्स के रेफरेंस में पढ़ा हुआ है, बर्ड जो होता है वो इनिशियल बर्ड, इसे कली कहा जाता है हिंदी में, है ना। तो बर्ड जो इनिशियल स्टेज में निकलता है उसे बर्ड कहा जाता है, और वही बर्ड बड़ी होकर एनिमल के अंदर सिंग बन जाता है। तो अगर आपने इनिशियल स्टेज में छोटा है एनिमल उस स्टेज में किया तो उसे डिसबडिंग कहा जाएगा, लेकिन छोटी एज में नहीं किया और उसके जो होल्स हैं सींग है वो बाहर आ गए, सींग बाहर आ गए, तो अब जो किया जाएगा वो डिसबडिंग नहीं है, अब वो डीहॉर्निंग है। सींग को काटना पड़ेगा, बहुत सारा खून आएगा, अगर एक्सपर्ट नहीं है तो वहां पे बहुत खून हो जाता है, जनरली नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ अगर एक आप डॉक्टर आपके पास है ना, वेटनरिस्ट आपके पास है, तो उसे पता है किस कोड से किस वेन से ज्यादा ब्लड निकलेगा, वो उसको कॉटन से दबा देता है और उससे क्या होता है फिर ब्लड कम फैलता है। लेकिन डीहॉर्निंग सींग काटना उससे बेटर है, इनिशियल स्टेज में डिसबडिंग कर दिया जाए, जहां से उसके होर्न सींग निकल रहे हैं उन्हीं सेल्स को उन्हीं बर्ड्स को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। खत्म करने के मेथड है वो मैं आपको बता देता हूं। तो डिसबडिंग के लिए बोला गया डिसबडिंग मींस अरेस्टिंग द होर्न ग्रोथ। अरेस्ट का मतलब क्या था, चोर भाग रहा था उसको अरेस्ट कर लिया, मतलब पकड़ लिया, रोक दिया। सो डिसबडिंग का मतलब रोक देना, किसको रोक देना, होर्न की ग्रोथ को, सींग की ग्रोथ को, एट एन अर्ली एज When the horn root is in the bud stage, जब horn की जो root है, जो सिंगों की जो जड़े हैं, वो कहाँ पे हैं? Bud stage में, अभी निकल ही रही है, निकली नहीं है। जैसे आप पीछे अगर फोटो को देख पाएंगे तो वो देखो छोटा सा बछड़ा है, उसके ऊपर वो होट रोड लगा दिया गया, तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी जो बड्स है ना निकलेंगी नहीं। क्यों नहीं निकलेंगे, बिकॉज खत्म कर देगा शुरुआत में। ऑप्टिमम जो एज है डिसबडिंग करने की वो पैदा होने के 15 से 20 दिन के अंदर अंदर है, कर दीजिए, बिकॉज बड़ा हो जाएगा तो उसकी जो सेल्स है वो बाहर आ जाएंगी। करते क्यों है डीहॉर्निंग, डीहॉर्निंग का बहुत सिंपल मेथड है, अगर पशु के सींग होंगे तो आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, आप दूध निकालेंगे, हो सकता है पशु गुस्से में भाई साहब आपको ठोक दे, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना, मार सकता है वो जो मिलकर होगा उसको, तो वो भी दिक्कत है। प्लस जिसके सींग होंगे उसको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होगा, सींग बड़े बड़े हैं कहीं अटक जाए दीवार के अंदर, तो भाई साहब स्पेस ज्यादा देना पड़ेगा उसे। तो इन पर्पज से, इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं, डिसबडिंग कर देते हैं, मैनेजमेंट आसान हो जाता है। तो डिसबडिंग के पर्पज में पहला कहा गया डीहॉर्न्ड एनिमल जिनके सिंग नहीं है विल नीड लेस स्पेस इन द शेड, उनको शेड में क्या चाहिए, जगह कम चाहिए, बिकॉज सिंग गए तो जगह कम चाहिए।
कैटल विद द हॉर्न इन्फ्लिक्ट ब्रुसेस ऑन ईच अदर दैट मे रिजल्ट इन द हैवी इकोनॉमिक लॉसेस. एक दूसरे से भीड़ पड़ेंगे, भैया उसके भी सिंह है, उसके भी सिंह है. बोला आने दे. देखा ना आप लोगों ने ऐसा, सड़कों पे सांड लड़ रहे होते हैं, यही तो काम कर रहे हैं. उससे आपको क्या होगा, हैवी लॉस. अगर आपके पालतू पशु आपस में लड़ पड़े, इंजरी हो गई, तो भाई साहब आपको नुकसान हो जाएगा. नेक्स्ट बोला गया, हॉर्नड एनिमल जिनके सींग होते हैं आर डेंजर टू द ऑपरेटर. जो वहां पे बंदा उनको संभाल रहा है, भाई वो उनके लिए भी क्या है, डेंजर है. मार वार देगा यार, दिक्कत हो जाएगी. डी हॉर्नड एनिमल कैन बी हैंडल मोर इजिली. जिसके सींग नहीं है उस एनिमल को हैंडल करना आसान है. प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ हॉर्न कैंसर. सींगों के अंदर कैंसर हो जाता है यार, लेकिन सींग ही नहीं है तो हॉर्न कैंसर वाली कहानी क्या हो गई, आपको उससे छुटकारा मिल गया. चलिए अब क्यों करते हैं डी हॉर्निंग और डिसबर्डिंग पता चल गया. अब कैसे कैसे करते हैं, जैसे आपने कैस्ट्रेशन के मेथड पढ़े वैसे ही पढ़ लेते हैं, किसके मेथड पढ़ लेते हैं, आपके डिसबर्डिंग और डी हॉर्निंग के. डिसबर्डिंग और डिहॉर्निंग की बात करेंगे तो हॉट आयरन रोड से किया जा सकता है. सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, गर्म रोड 500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर उसका होता है, उसे ऐसे 10 सेकंड के लिए भैया रख दिया जाता है ऊपर. 10 सेकंड रखा, थोड़ा पेन तो करेगा 10 सेकंड के लिए, लेकिन यह कि उसके बाद पूरी लाइफ उसे छुटकारा मिल जाएगा. सो हॉट आयरन रोड स्पेशली डिजाइंड इलेक्ट्रिक डिहॉर्नर इज यूज फॉर दिस पर्पज. दिस इज ब्लडलेस मेथड. इट मे बी यूज एट एनी सीजन. इसे किसी भी सीजन में यूज कर सकते हो. रोड विद 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अप्लाइड फॉर 10 सेकेंड्स. 10 सेकेंड के लिए अप्लाई किया जाता है और उससे क्या होता है, सेल्स खत्म हो जाती हैं और सिंग नहीं आते हैं. दूसरा मेथड आ गया इलस्ट्रेटर. इलस्ट्रेटर वही रिंग वाला मेथड आएगा. पहले आप कहां पे उसके जो स्पर्म फॉर्मेशन है उसको रोकने के लिए इसे यूज करके आए हो, अब की बार सिंग की ग्रोथ को रोकने के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये अर्ली स्टेज में पॉसिबल है. सो स्पेशली मेड थिक रबर रिंग, मोटी मोटी रबर की रिंग है, अप्लाई टू द बेस ऑफ द हॉर्न. सींग के बेस में डाल देते हैं. स्मॉल बर्ड जो है, जो छोटे सींग है, वो 3 से 6 हफ्ते में अपने आप गिर जाएंगे रबर रिंग डालने के बाद. और बड़े हॉर्न है तो वो 2 महीने तक ले सकते हैं, लेकिन वो मोटा सा रिंग डाल दिया, वो प्रेस करता जाएगा धीरे धीरे और ऑटोमेटिकली वो गिर जाएंगे. ये मेथड भी ठीक है. उसके बाद आया केमिकल मेथड. केमिकल मेथड की बात करेंगे तो इसमें कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है. कास्टिक पोटाश और कास्टिक सोडा इज द कॉमन केमिकल यूज फॉर द डिहॉर्निंग. रब द केमिकल ओवर द बर्ड्स अंटिल ब्लीडिंग अकर्स. किया क्या जाता है, कास्टिक सोडा को लिया जाता है, उसके ऊपर जहां पे बर्ड्स है वहां रगड़ा जाता है. लेकिन हाँ, ये करने से पहले उसकी आंखों को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, बिकॉज केमिकल आंखों में चला जाएगा तो दिक्कत कर देगा. तो वैसलीन की ना मोटी सी लेयर उसकी आंखों पर डाल देते हैं. आंखों पे मतलब ऐसे ऊपर नहीं, ऐसे लेयर डाल देते, उससे क्या होता है केमिकल बह के उसकी आंखों में नहीं जाएगा. राइट, तो आंखों को प्रोटेक्ट कर लिया. उसके बाद जो सींग है उसके ऊपर कास्टिक सोडा से इस तरह से रबिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. थोड़ी देर के उसमें से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है. खून निकलना स्टार्ट हो गया मतलब उसकी बर्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है. डिहॉर्निंग आपका हो गया. ठीक है, ये केमिकल मेथड हो गया. सबसे लास्ट में अगर आपने डिसबर्डिंग टाइम पे नहीं किया, सींग आ चुके हैं तो सींग ही काटने पड़ेंगे, वो होगा डिहॉर्निंग मेथड. सो डिहॉर्निंग सोया क्लिपर को यूज करेंगे. व्हेन ओल्डर कैटल आर टू बी डिहॉर्न, जब मैच्योर है, ओल्डर है, उनको डिहॉर्न करना है, स्पेशली डिजाइन क्लिपर और सो मतलब आरई आर यूज्ड. ये थोड़ा पेनफुल होगा, पेनफुल के साथ साथ ब्लीडिंग भी ज्यादा होगी, और यूजुअली उतनी ब्लीडिंग देख के लोग डर जाते हैं, उनको लगता है एनिमल मर ना जाए. मरता तो नहीं है, बट हाँ ये रिकमेंडेड मेथड नहीं है. इससे बेटर है कि अर्ली स्टेज पे ही उसकी डिसबर्डिंग हो जानी चाहिए, इंस्टेड के बाद में जाके आपको डिहॉर्निंग करनी पड़े. डिसबर्डिंग डिहॉर्निंग क्या होता है, पर्पस क्या होता है, उसके मेथड क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया. कैस्ट्रेशन क्या होता है, पर्पस क्या होता है, मेथड क्या होता है, मैंने आपको बता दिया. आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे डेंटिशन एंड एजिंग ऑफ कैटल एंड बफेलो. डेंटिशन मतलब उनके दांतों वाला जो कॉन्सेप्ट हो गया है ना, उससे हम दांतों को देख के एनिमल की एज का पता कैसे लगा सकते हैं. तो पहले दांतों की बात नहीं करते, पहले तो ये बात करते हैं कि भैया एनिमल की एज पता कैसे लगाई जा सकती है. तो पता लगाएंगे सबसे पहले तो एनिमल के पास जाओ, उससे पूछो भैया तेरा बर्थडे कब है ना. द डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल इन द रजिस्टर्स. अगर तो डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है तो जाओ उसके पास, डेट ऑफ बर्थ भी पता कर लो, बर्थडे मना लो, केक भी काट लो उसका, एनिमल भी खुश हो जाएगा, आपको उसकी एज भी पता चल जाएगी. चलो आप केक नहीं काटेंगे, मुझे पता है ना, क्योंकि हम लोगों को लगता है केक तो हमारे लिए बना है, एनिमल के लिए थोड़ी बना है.
चलो ये तो ऐसे मजाक कर रहा था मैं, लेकिन हाँ अगर रजिस्ट्रेशन उसका अवेलेबल है, डेट अवेलेबल है, डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर सीधा सा अकाउंट कर लेंगे कि भाई ये जुलाई 2000 इसको ये पैदा हुआ था और इतने सालों का ये हो गया। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है डेंटिशन मेथड, उसके दांतों को देखकर। कैसे पता लगाते हैं आगे बताता हूं। उसके अलावा ये जो अच्छा मेथड नहीं है लेकिन पता लगाया जाता है, ऐसा कहा जाता है, हॉर्न रिंग को देख के पता लगा लेते हैं, सिंगों के ऊपर छल्ले जो आते हैं। अब जिन लोगों ने एनिमल्स को नहीं देखा वो नहीं जानते, लेकिन जिन्होंने देखा तो एनिमल जैसे से बड़ा होता है उसके सिंग के ऊपर रिंग आते हैं, छल्ले आते हैं, उससे देख के एज का पता लगा सकते हैं। बट आप बोलेंगे सर आपने कहा कि अच्छा मेथड नहीं है। रीजन इज लोग क्या करते हैं, उन छलों घिस देते हैं तो वो दिखता ही नहीं है, पता नहीं चल पाता इससे, तो ये अच्छा मेथड नहीं है, लेकिन ये अच्छा मेथड माना जाता है। नंबर ऑफ यंग वन प्रोड्यूस बाय द एनिमल, कितने बच्चों को पैदा कर चुके हैं भाई, वो भी अगर पता चल जाएगा तो उससे भी एज का पता लगाया जा सकता है। और बाकी जो एक्सपीरियंस ब्रीडर है, जो फार्मर है, जो बहुत सालों से काम कर रहा है, वो उसकी ओवरऑल कंडीशन को देख के भी एक गेस लगा लेता है कि एनिमल की एज क्या है। एनिमल की एज को कैलकुलेट करने का सबसे बेस्ट मेथड की बात करते हैं, कैटल डेंटिशन की। दांतों को देखकर आपको पता लगाना है। दांतों को देखकर पता लगाने से पहले जरा इसके पास आइए, तुम्हारे लिए स्माइल कर रही है, कहती मेरे दांत देख लो, दांतों को देखिए जरा। ये जो आगे वाले होते हैं ना, मतलब गुस्सा नहीं आ रहा मुझे भाई साहब, ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो आगे वाले होते हैं ना, ये वाले दांतों को बोला जाता है इनसाइजर या इनसीजर, इन्हें कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इनसीजर। ये हमारे तो ऊपर नीचे है लेकिन काओ में नहीं होते, उसके सिर्फ नीचे ही होते हैं, ऊपर भाई साहब खाली होता है। अब खाली होता है तो सर इसको क्या बोलते हैं? ये जो ऊपर खाली होता है इसको डेंटल पैड कहा जाता है। क्या बोलते हैं? डेंटल पैड इसे कहा जाता है। और नीचे की बात करेंगे तो आपने तो मुझे बताया कि सर ये जो नीचे है इसको क्या बोलते हैं? यस, रिपीट करिए मेरे साथ साथ, झंडूबा बन के क्लास नहीं लेनी है बिल्कुल भी। झंडू बाम कैटेगरी वाले लोगों को नींद आना शुरू हो गई है, बिकॉज उनको लग रहा है बहुत पढ़ा दिया, जो कि पढ़ाते हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ, मजा आना चाहिए, कुछ नया सीख रहे हैं। तो बोलिए बताइए इनको क्या बोलते हैं जो एनिमल के आगे होते हैं? थप्पड़ नहीं, ठीक है ना, नहीं मारूंगा, बट हाँ बोला करो। जब बात करते हैं कि इसकी आपके कैटल के डेंटिशन की, तो आगे वाले इनसाइजर होते हैं यहाँ पे, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि रस्सी काटना जरा, आप क्या करोगे? यहाँ पे डालोगे, ऐसे ऐसे करोगे। ये जो है ना तीखे वाला दांत, इसको कैनाइन कहा जाता है, लेकिन काओ के अंदर होता नहीं है, बिकॉज ये जो कैनाइन जिनके पास होता है ना, वो नेचर ने ऐसा, साइंस कहती है, मैं नहीं कहता, है ना, क्योंकि इसमें धर्मों की बहुत सारी बातें आ जाती है। साइंस कहते हैं कि ये मांस खाने के लिए होता है, गाय तो मांस खाती नहीं है, तो उसके ये वाला होता नहीं है। उसके बाद होते हैं प्री मोलर, उसके बाद होते हैं मोलर टीथ। तो टेम्परेरी डेंटिशन की बात करेंगे ना, तो देखो ये जो है ना, ये इंसाइजर है, ये कैनाइन है, ये प्री मोलर है और ये मोलर है। नीचे भी सेम ही है ना, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, और जो लिखा गया पेयर है। तो टेम्परेरी टीथ की बात करेंगे, टेम्परेरी टीथ की बात में भाई जो ऊपर है वो तो कुछ नहीं है, नीचे चार पेयर आ जाते हैं किसके? इंसाइजर के। उसके बाद जीरो जीरो कुछ भी नहीं आया, फिर प्री मोलर तीन तीन पेयर आ गए हैं, और इधर मोलर टेम्परेरी के अंदर कोई भी नहीं आया। तो जरा टोटल करो, तीन और तीन पेयर की बात कर रहे हैं ना, तो छह ये हो गए, छह ये, कितने हो गए टोटल? 12, और ये 8 हो गए, बिकॉज पेयर के अंदर चार है, 12 और कितने हो गए? 20। मतलब एनिमल के अंदर जो टेम्परेरी टीथ आते हैं वो कितने आते हैं? 20 आते हैं। परमानेंट की बात करते हैं, परमानेंट टीथ की बात की जाएगी, तो परमानेंट वाले केस में तो क्या हुआ, ये हो गए इंसाइजर, ये हो गए कैनाइन, ये हो गए प्री मोलर, ये हो गए मोलर। अब कैनाइन तो कैनाइन नहीं, जो आपका ये, हाँ कैनाइन है ना, कैनाइन तो होता ही नहीं है, तो कैनाइन तो यहाँ पे है नहीं। जो आपके इंसाइजर है, इंसीजर है, वो चार ही है, चार पेयर है, मतलब कितने हो गए टोटल? 8 हो गए। यहाँ पे प्री मोलर तीन तीन आ गए, मतलब कितने कितने आ गए? 6+6 आ गए। और मोलर तीन तीन आ गए, मतलब 6+6 आ गए, तो 6+6 मोलर कितने हो गए? 12। प्रीमोलर कितने हो गए? 12। और इंसीजर कितने? 8। तो 12 और 12 24 और 8 कितना हो गया? 32। तो मतलब कैटल के अंदर जो परमानेंट टीथ है वो कितने हैं? 32। और जो आपके टेम्परेरी टीथ है वो कितने हैं? 20। कौन कौन से है वो भी मैंने आपको बता दिया, है ना। नहीं समझ आया तो ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि इस तरह से इंसीजर, प्री मोलर और मोलर होते हैं। टेम्परेरी टीथ में कोई मोलर नहीं होता, जबकि परमानेंट के अंदर 12 मोलर आ जाते हैं। अब अगर सर एज चेक करनी है तो सर एज कैसे चेक करें? तो भाई एज चेक करने का सिंपल फंडा होता है, एज चेक की जाती है इंसाइजर से, जो चार पेयर आगे आने वाले हैं, नीचे की साइड ऊपर डेंटल पैड आएगा ही नहीं। तो जो फर्स्ट पेयर निकलता है ना इंसाइजर का, वो 2 साल की एज में निकलता है, अगला पेयर 2.5 से 3 साल की एज में निकलता है। तो पहला पेयर आ गया 2 साल की एज में, मतलब एक पेयर अगर आपने देखा इंसाइजर का, तो कैटल जो है वो 2 साल का है।
अगला पेड़ आएगा 3 साल में, अगला 4 साल में, अगला 5 साल में। तो चारों पेड़ आ चुके हैं, मतलब एनिमल 5 साल का हो चुका है। उसके बाद क्या होता है, जो पेड़ है घिसना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर पहला पेड़ घिस चुका है तो 6ठा साल हो गया, दूसरा पेड़ घिस गया तो 7वां, तीसरा घिसा तो 8वां, चौथा पेड़ भी क्या हो चुका है, घिस चुका है, तो वो क्या हो गया, 9 साल का हो गया। और अगर पूरा ही घिस चुका है, सिर्फ रूट्स नीचे से बच्चे दिख रही है, तो मतलब एनिमल 10 साल से ऊपर का हो चुका है। उम्मीद करता हूं गाय को देख के, दांत उसके देखेंगे, एज का एस्टिमेशन आप कर पाएंगे। एक बार अगर उसके दांतों को जाके देख लेंगे ना, हाँ एस्टिमेशन करना पहली बार सुन के मुश्किल है, बट एक दो बार देख लेंगे ना, एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आगे चलता हूं। डेंटल से आपने काउंट कर लिया, बात करते हैं हॉर्न रिंग्स की। तो हॉर्न रिंग मतलब बोला गया इन हॉर्न ब्रीड कैटल अ रफ एस्टिमेट, रफ एस्टिमेट है, सही एस्टिमेट नहीं है। रफ एस्टिमेट ऑफ एज कैन यूजली बी मेड बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स राउंड द बेसल फ्रॉम द हॉर्न, सींग के ऊपर कितनी रिंग्स हैं उससे हम काउंट कर लेंगे। द फर्स्ट रिंग अपीयर्स अबाउट इन 2 ईयर्स एंड देर आफ्टर 1 रिंग एडेड एनुअली। तो दिक्कत यह कि हो सकता है एनिमल को डिहॉर्निंग या डिसबर्डिंग कर दिया, सींग हो ही ना तो काउंट नहीं कर पाओगे, और सींग है लेकिन छल्लो घिस दिया गया तब भी नहीं काउंट कर पाओगे, इसीलिए इसे अच्छा मेथड नहीं माना जाता। आगे चलते हैं। हमने पढ़ लिया है कैस्ट्रेशन कैसे करना है, हमने पढ़ लिया डिसबर्डिंग डिहॉर्निंग कैसे करना है, और अभी अभी हमने पढ़ लिया क्या कि आप जब एनिमल की एज चेक करेंगे तो डेंटिशन मेथड क्या होगा और रिंग जो छल्ले हैं उसके सिंग पे वो क्या होगा। लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, हम एनिमल हस्बेंड्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को 4 से 5 वीडियो में कवर करेंगे। बट उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी, प्रोडक्टिव लग रही होंगी। जिस दिन पेपर आपका हो जाएगा आके रिवाइज करिएगा, आप देखिए इन छोटे छोटे 30-30 मिनट्स में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए डिवॉर्मिंग की बात कर लेते हैं। अंदर के जो कीड़े वीड़े हैं भाई, उनको मारने है, उसको डिवॉर्मिंग कहा जाता है। अगर ध्यान से पीछे की फोटो को देखेंगे तो ये देख लो, ये उसका फेस दिख रहा है और ये उसे दवाई पिलाई जा रही है, अंदर डाली जा रही है। इससे क्या होगा, कीड़े वीड़े मर जाएंगे। सो बोला गया डिवॉर्मिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ द काफ, जैसे ही पैदा हुआ है ना पहले हफ्ते से शुरू कर दो। A single oral, oral मतलब मुंह से, a single oral dose of 10 ग्राम piperazine adipate या piperazine salt इसे कहा जाता है, is recommended for the calf, preferably in the first week of the life to control, किसको control करना है, neonatal ascaris, ascaris पेट में आएगा बीमारियां पैदा कर देगा, especially in the buffalo calf। तो 10 ग्राम piperazine दे दो उसे, oral dose दो, पहले हफ्ते से deworming करना start कर दो, उसके बाद deworming क्या करो, हर महीने करो। कितने टाइम के लिए, पहले 6 महीनों के लिए, फिर काफ बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो इम्यूनिटी आ जाएगी, जल्दी से उसके ऊपर अटैक नहीं होगा, तो फिर हर महीने नहीं, फिर क्या करना है, वंस इन द 3 मंथ्स, उसके बाद 3 महीने में एक बार करना स्टार्ट कर दो। पाइपरजीन सोल्ट को दे दो उसे, उससे क्या हो जाएगा, अंदर के जो उसके कीड़े वीड़े वो मर जाएंगे, जिसे डिवॉर्मिंग कहा जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एनिमल के अंदर हीट के सिम्टम क्या होते हैं, एक्चुअली हीट क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा, हीट के सिम्टम क्या होते हैं, ओस्टर साइकिल मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट एग्जाम का उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को, इसे कवर करेंगे, फिर कमिंग वीडियो के अंदर सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग को पढ़ेंगे, फिर एनिमल न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे, एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ हर वीडियो के नीचे आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ाते रहेंगे, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नोट्स जो स्टडी करने हैं आपको, वो मैं शेयर कर दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, इवन मैं इसे ऐप के अंदर भी डालना चाह रहा हूं कि हर वीडियो के साथ पीडीएफ और क्विज आपको मिल जाए, तो वो भी हमारा चल रहा है, बहुत जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगा, उससे जैसे ही लॉन्च करूंगा तो बता दूंगा। बट अभी के लिए मेक श्योर नोट स्टडी करेंगे और टेलीग्राम पे आई हुई क्विज को अटेम्प्ट करेंगे। मैं आपको मिलूंगा आपके नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप मुझसे मिलना रिजल्ट के बाद, जिस दिन आप मुझे बताओगे सर मेरा सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन करवाने के लिए हर दिन पढ़ते रहिएगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, जय हिंद जय भारत।